मत, तुम क्या जानो रमेश बाबू। Hey my angels, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलोफर शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टीथ के लिए है, टीथ टूथ या हम पूरा माउथ कह सकते हैं। हमें कैविटी हो जाती है, देन हमारे टूथ पेन होता है, स्वेलिंग होती है, देन जो बैड ब्रीथ आती है हमारे मुँह से, इन सब का एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक ही बट बहुत इफेक्टिव है। मैंने एक एक्टिवेटर रेडी किया है जिसे हमको सिर्फ हमारे टूथपेस्ट पे स्प्रिंकल करना है, देन यू ब्रश योर टीथ एंड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आपके टूथ कैविटी हो, पेन हो, स्वेलिंग हो, बैड ब्रीथ हो, ये हमारे पूरे माउथ में एक फ्रेशनर की तरह काम करेगा, जो हमारे मुंह में बहुत से कीटाणु हो जाते हैं, देन हम ब्रश नहीं कर पाते, तो आप दिन भर आप इससे काफ़ी टाइम तक आप फ्रेश रहोगे। तो मैंने इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है। पहला इंग्रेडिएंट से क्लफ यानी लौंग। लौंग का तेल भी बहुत इफेक्टिव होता है हमारे टूथ कैविटी के लिए, बट मैं इसे एक्टिवेटर बना रही हूँ तो ये पाउडर फॉर्म में रहेगा, तो हमें उसके लिए उसका क्लफ का पाउडर ही लगेगा। तो कैसे बनाना है, क्या करना है, मैं आगे की वीडियो में आपको बताती जाऊंगी, बट उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि क्लफ में ना एक इगोनॉल नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, जो हमारे इफेक्टेड एरिया है उसको टारगेट करते हुए हमारे स्वेलिंग पेन को रिड्यूस करता है। और जो मेरा दूसरा इंग्रेडिएंट्स रहेगा वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे के बारे में ऐसा कौन है जो नहीं जानता, ठीक है। बेकिंग सोडा से हमारे फेस के लिए नहीं, हमारे दांतों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। जो स्टेन हो जाते हैं, येलो स्टेन, ज़्यादा कॉफ़ी या ज़्यादा चाय पीने से, ये उस स्टेन को रिमूव करके हमारे दांतों को वाइटनर एक वाइटनिंग देता है। तो मैंने दोनों ऑसम वाले इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक मैजिकल एक्टिवेटर रेडी की हूँ पाउडर फॉर्म में। आपको इसे डेली बेसिस पे यूज़ करना है। आप डे बाई डे अपने दांतों में कुछ डिफरेंट देखोगे कि कितने वाइट हो गए। हाँ, यहाँ एक चीज़ बता दूँ, येल्लो टीथ नेचुरल कलर होता है, वाइट कलर नहीं होता है हमारे दांतों का, येल्लोइश कलर होता है। बट सम टाइम हमें जो स्टेन हो जाता है या हमारे दांत ज़्यादा येलो दिखने लगते हैं, मुंह से बैड ब्रीथ आती है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप लोग प्लीज़ एक बार बनाइए। अगर आप बाहर से एक माउथ वॉश खरीदते हो अच्छा ब्रांड का, तो वो आपको कॉस्टली पड़ता है, बट ये आपको आपके किचन से ही सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। और ये बहुत इजी मेथड है, आप इसे बना के एक महीने के लिए आप इसको प्रिजर्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने इसे कैसे बनाया है मैं फटाफट आगे वीडियो में बताती हूँ, देन मैं उसे यूज़ करके बताऊँगी। तो स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। अगर आप लोग किसी टॉपिक पे एक वीडियो चाहते हो जिसको मैं एक पूरी तरह से डिस्क्राइब करके बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। तो आपके एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करने से मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो हमें जो सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट्स होगा वो है क्लफ, इसे लौंग भी कहते हैं, आप देख सकते हो। तो लौंग के बाद हम लेंगे बेकिंग सोडा। तो हम पहले लौंग को अच्छे से मिक्सी में डाल के पीस लेंगे एक बारीक पाउडर फॉर्म में, देन हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब ये पाउडर फॉर्म में बनके रेडी है। हम जितना इसका पाउडर लेंगे क्लफ का, हमें उतना ही बेकिंग सोडा लेना है, ठीक है। और हम दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने दोनों को सेम क्वांटिटी में ले लिया है। अब मैं दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, आप लोग देख सकते हो। अब मैं एक छोटा सा कंटेनर लूंगी, मैं इस कंटेनर में इसे प्रिजर्व करूंगी। तो अब ये हमारा मैजिकल टूथ एक्टिवेटर बनके रेडी है।
इसे कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। सो यस, अब बात करते हैं इसे यूज करने की। तो यूज करके मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पास है ये क्लोजअप वाला, आपके पास जो टूथपेस्ट हो आप वो ले लो, देन ब्रश, और ये हमारा एक्टिवेटर। तो हमें पहले लेना है हमारे टूथपेस्ट को। मैं अपने टूथपेस्ट को अपने ब्रश पे ले लूंगी। आप रुको, देन हम इस पे हमारा जो मैजिकल एक्टिवेटर है, इसकी जो क्लव की स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है ना, ऑसम है। मैं आपको बता दूं, आपको बस एक पिंच ही लेना है, अब ज़्यादा ना ले क्योंकि क्लव बहुत ही हार्ड होता है, तो ये आपका मुंह भी जला सकता है, आपकी ज़बान को भी जला सकता है। तो प्लीज़ केयरफुल, एक जल्दी के चक्कर में कुछ ना करिए। आप सिर्फ एक स्प्रिंक, आप एक पिंच ही लेंगे इसका और इस पर स्प्रिंक करेंगे। ये देख के मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, ओम शांति ओम का, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ऐसा मैं भी कह सकती हूँ, एक चुटकी एक्टिविटी की कीमत तुम क्या जानो, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये हमने अच्छे से स्प्रिंग कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इजीली जाके आपके टूथ पे भी चिपक जाएगा। सो स्टार्ट योर टीथ ब्रशिंग। सो आफ्टर ब्रशिंग मुझे काफ़ी अच्छा और फ्रेशनेस लग रहा है इन माय माउथ। कोई बैड ब्रीथ नहीं है, कुछ नहीं है। स्लो स्लो ये आपके स्किन को भी रिमूव कर देंगे, जैसे कि मेरे कर रहा है। मुझे भी कॉफ़ी और चाय की बहुत हैबिट है, जिससे मेरे पूरे दाल रेती जो स्टेन हो चुके थे येलो स्टेन से, बट इससे आपको स्लोली स्लोली रिमूव हो जाएगा। ये आपकी कैविटी के लिए अच्छा है, या आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। आप जैसे एक पिंच ही लीजिए उसके लिए भी, या जितना कम हो सके उतना, ठीक है। तो आप ये यूज़ करिए, इसका इफेक्ट देखिए और मुझे कमेंट्स करना जरूर ना भूले। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।